हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपडेट करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। 24 जून 2021 वट पूर्णिमा व्रत शुभ मुहूर्त पूजा विधि व्रत के नियम। शास्त्रों के अनुसार जिस तरह सुहागन महिलाओं द्वारा पति की दीर्घायु के लिए वट सावित्री का व्रत रखा जाता है, ठीक वैसे ही ज्येष्ठ माह की शुक्ल पूर्णिमा के दिन वट पूर्णिमा का व्रत करने की परंपरा है। इस दिन सभी सुहागन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखकर बरगद के वृक्ष और सावित्री सत्यवान का पूजन करती हैं। आज हम साल 2021 ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा के दिन रखे जाने वाले वट पूर्णिमा व्रत की शुभ तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और साथ ही जानेंगे इस व्रत के कुछ जरूरी नियमों के बारे में। वट पूर्णिमा व्रत तिथि शुभ मुहूर्त 2021। साल 2021 में वट पूर्णिमा का व्रत 24 जून गुरुवार के दिन रखा जाएगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 24 जून प्रातःकाल 3:32 पर, वहीं पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 25 जून प्रातःकाल 12:09 पर। वट पूर्णिमा पूजन विधि। वट पूर्णिमा व्रत की सुबह स्नान के बाद सच्चे मन से व्रत का संकल्प करें। वट पूर्णिमा व्रत की पूजा भी वट सावित्री व्रत की तरह ही की जाती है। इस दिन विशेषकर बरगद वृक्ष के नीचे ही पूजा का विधान है। सबसे पहले पूजा की तैयारी करें और एक बांस की टोकरी में 7 तरह के अनाज रख लें। अब एक दूसरी बांस की टोकरी में देवी सावित्री और सत्यवान की प्रतिमाएं रखें। अब बरगद वृक्ष की पूजा करें। सबसे पहले वृक्ष पर जल चढ़ाकर कुमकुम, अक्षत और रोली चढ़ाएं और सूत के धागे को वट वृक्ष के 5, 7 या 12 चक्कर लगाते हुए वृक्ष पर लपेटकर बांध लें। हर परिक्रमा पर एक चना वट वृक्ष में चढ़ाती जाएं। इसके बाद घर आकर शाम के समय व्रत कथा पढ़ें अथवा सुने। अब सुहाग की कामना करते हुए व्रत कथा सुनने के बाद सभी में चने व गुड़ का प्रसाद बांट लें। वट पूर्णिमा व्रत के नियम। वट पूर्णिमा व्रत सभी सुहागन महिलाओं के लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण होता है। शास्त्रों के अनुसार वट पूर्णिमा व्रत के कुछ जरूरी और महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं, जिनका पालन सभी सुहागन महिलाओं को व्रत के दौरान अवश्य करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस व्रत से जुड़े जरूरी नियम कौन से हैं। वट पूर्णिमा के व्रत में घर का माहौल और वातावरण शुद्ध और शांत रखना चाहिए। किसी भी तरह की अशुद्धि और घर में कलेश आदि नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को बरगद के वृक्ष का पल खाकर ही समाप्त करना चाहिए। वट पूर्णिमा का व्रत रखने से महिलाओं को पति की लंबी आयु का वरदान मिलता है, इसीलिए इस व्रत को सच्चे मन से करना चाहिए। किसी भी तरह के गलत विचार मन में नहीं आने देने चाहिए। जो भी लोग इस व्रत को रखते हैं, विशेषकर उन्हें आज के दिन तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए और सात्विकता का ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।